Hi friends, welcome to our channel Inspiring Indiana Lifestyle Support. Hi friends, अगर आप नया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में रखा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। Hi friends, if you are new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon to get the notifications of all of my new videos. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छी लगी कुछ जानकारी मिली तो नीचे जहां लाइक बटन है उसी रो में एक थैंक्स बटन है उसे प्रेस करिए और मुझे सपोर्ट करिए। एक हार्ट शेप का बटन जिसके अंदर एक डॉलर का साइन है, अ हार्ट शेप्ड सिंबल विथ अ डॉलर साइन विद इन इट, दिस इज द थैंक्स बटन। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इफ यू लाइक मोस्ट and find my video informative, please press the thanks button appearing in the same row where the like button appears. This way you can support me. I'll read out the name of the top supporters of this video in my next video. और इस वीडियो में जो टॉप सपोर्टर रहेगा अगली वीडियो में मैं उसका नाम जरूर बताऊंगा। चलिए इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। Let's move on with this video. Hi friends, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया का एक रूफटॉप है और यहाँ पे बहुत सारे पक्षियां दिखाई देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्षियां दिखाई देता है। आप चाहे पक्षी कहें, आप चाहे पंछी कहें, परिंदे कहें या बांग्ला में पाखी कहें या तो फिर बर्ड्स। दिस इज अ रूफटॉप ऑफ अ प्लेस इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया। Here you can find lot of different kinds of different types of birds. मगर ये तभी संभव है जब आप इनका अनुकूल पर्यावरण या माहौल बनाएंगे ताकि ये पक्षियां, ये परिंदे अपना घर जैसा महसूस करें, तभी ये संभव है। But this can only be possible when you will make this atmosphere favorable to them, friendly, amicable for them. And this is not a very hard or tough job. और दोस्तों ये ज्यादा कठिन काम भी नहीं है। मेरे साथ आइए, पेड़ लगाइए। ये दिख रहा है आपको, ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ लगाइए, छोटे पौधे लगाइए ताकि यहाँ पे पक्षियां परिंदे आके बैठ सके और अपना जैसा महसूस कर सके। And this is not very hard and tough job. Do plantation of small plants and also large trees like this. And also if you are in a apartment, do convince your community so that large and large number of trees can be planted. Agar aap kisi apartment mein rehte hain, जैसे देखिए मेरे पीछे है, तो उन लोगों से मीटिंग करिए कम्युनिटी में, उनको कन्विंस करिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, बड़ा पेड़ लगाइए, छोटे पौधे लगाइए। दोस्तों जहां एक तरफ दुनिया में पक्षियों का तादाद, पक्षियों का संख्या घट रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर डिक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, here is the little effort to increase the number of birds. So please join hands and do as much as you can. पक्षियों की संख्या बढ़ाने की ये हमारा एक छोटी सी प्रयास है, इसमें सहयोग करिए, आगे आइए और जितना हो सके आपसे उतना कोशिश करिए। ऑक्सीजन और ठंडी छाव के साथ साथ ये कई पक्षियों की रहने की जगह भी है और कई पक्षियों की गाना गाने की स्टूडियो भी है ये। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड कूलिंग इफेक्ट, इट इज द शेल्टर ऑफ मेनी बर्ड्स। मेनी बर्ड्स हैव मेड इट देयर स्टेज टू परफॉर्म स्वीट सिंगिंग। यू कैन हैंग दिस टाइप ऑफ फीडर ऑल्सो, ऐसा फीडर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे चिड़िया बैठेगी और दाना चुगेगी। इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर यूके या यूएसए में जो रहते हैं उनके लिए भी अलग परचेज लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। बार्ड्स विल सीट एंड पिक द सीड्स, परचेज लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। बिसाइड्स इंडिया, दोज हु आर स्टेइंग इन यूके एंड यूएसए, सेपरेट परचेज लिंक्स आर ऑल्सो गिवन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। दिस टाइप ऑफ फीडर कैन ऑल्सो बी ट्राइड, ऐसा फीडर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये पानी रखने की जगह है, यहाँ पे पंछी आके अपना प्यास बुझाएगी। पानी हर रोज चेंज करिए ताकि मच्छर ना जन्मे। सो यू कैन कीप वाटर लाइक दिस, बर्ड्स विल हैव वाटर हियर एंड सेटिस्फाई देयर थर्स्ट। प्लीज कीप चेंजिंग वाटर एवरी डे टू अवॉइड मॉस्किटोज। ये देखिए, ऐसा हाउस आप लगा सकते हैं किसी सेफ जगह पे, जिससे चिड़िया अपना अंडा दे सकता है और इससे इनका संख्या में भी वृद्धि होगा। इसका परचेज लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडिया के साथ साथ जो इंडिया के बाहर यूके या यूएसए में रहते हैं उनके लिए भी परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लुक, यू कैन कीप दिस टाइप ऑफ हाउस हैंगिंग इन सम सेफ लोकेशन so that birds can lay eggs and breed. This way we can help to increase the number of birds in the world. The purchase link of this product is given below in the description. Besides India, those who are staying abroad UK and USA, separate purchase link of this item for them are also given in the below description. Birds can enter from here and lay their eggs. पक्षियां यहां से जा सकते हैं अंदर और अंडा दे सकते हैं। सो दाना, पानी, मकान और सिक्योरिटी, इस सब का बंदोबस्त हो गया तो और क्या चाहिए। तो पंछियां, परिंदे अब बहुत सिक्योर महसूस करेंगे और यहां पे रहेंगे। सो फूड, वाटर, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, व्हाट एल्स यू वांट। So birds will feel very secured here and they will try to come more in numbers. ये जो birds है हमने इसे divide किया है बहुत से category में, जैसे mini, small, medium, large. तो आज से category है mini. These birds we have divided it in many categories like mini, small, medium, large. So today's category is mini. Friends, in this category our first guest is now. I'm not going to tell you, you have to tell me. I'm going to give you some hints, some clues, and you have to guess who is it. This bird is national bird of Italy and it is also very much available in India. Now tell me, if you know it before I start showing you, please mention in the below comment box. दोस्तों, आज की कैटेगरी में हमारा जो पहला मेहमान है वो है, नहीं हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा क्लू दे देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ और आप बोलिए। ये चिड़िया इटली का नेशनल बर्ड है और भारत में भी खूब पाया जाता है। अब आपको बोलना है। अगर आप बोल पाते हैं मेरे दिखाने से पहले तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अटेंशन, सावधान, हम किसी से कम नहीं, मी नो लेस देन एनीवन। दिस इज अवर फर्स्ट गेस्ट, फीमेल स्पैरो, वुमेन्स एम्पावरमेंट। हमारा पहला मेहमान फीमेल स्पैरो, महिला सशक्तिकरण, हिंदी में इसे गौड़िया भी कहते हैं और बांग्ला में चोरुई या चौड़ाई पाखी बोला जाता है। वेरी क्यूट एंड प्रेटी लुकिंग, बहुत ही क्यूट और सुंदर देखने में है।
अरे शर्मा गई. फीलिंग शाई, दिस इज मेल स्पैरो. हाउ डू आई नो? लुक एट हिज बियर्ड, मुस्टेच. ये है पुरुष गौरिया, मेल स्पैरो. कैसे पता चला? देखिए इनका दाढ़ी, मूछ, सब कुछ है. इसका लंबाई 14 से 18 सेंटीमीटर होता है, फीमेल इससे भी छोटा होता है. इट्स साइज इज 14 टू 18 सेंटीमीटर, फीमेल्स आर स्मॉलर देन मेल. आइए दोस्तों, ड्राइवर कैसे लिया जाता है थोड़ा देख लेते हैं. यहाँ पे ही होगा. हाय फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ ड्राइवर कैन बी टेकन, एंड हियर वी कैन सी इट. Now they have started taking dry bath. The advantage of dry bath is they can remove attached particles from their body without wetting their feathers. अभी dry bath चालू हो गया. Dry bath का advantage ये है कि बिना पंख को भिगोए ये वहाँ पे लगा कर्ण को हटा सकता है. अरे लगता है मन भर गया. सीम्स सेटिस्फाइड. ओहो, इट हैज कम अगेन. अरे ये तो फिर से आ गया. पंख से पक्षियों का बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है, क्योंकि बिना पंख के तो ये उड़ ही नहीं पाएगा. इसलिए हमेशा पंख को साफ सुथरा रखता है, एक्टिव रखता है. फेदर्स, विंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स, सो ऑलवेज दे ट्राई टू कीप इट क्लीन एंड एक्टिव. दे कैन फ्लाई हाई. If their feathers are wet, it will be difficult for them to fly. So it's better to go for dry bath. अगर पंख भीगा रहेगा तो उड़ने में तकलीफ होगी, तो इससे तो अच्छा है कि dry bath लिया जाए. लगता है इस बार सच में ही इनका मन भर गया. सीम्स दिस टाइम शी इज सेटिस्फाइड फुल्ली. किसी की दावत में बुलाया जाए और वहां पे भरपूर खाने को मिले तो मजा ही कुछ अलग होता है. इफ यू आर इनवाइटेड इन ए पार्टी and there are lot of foods to take, then it is very amazing. ये बीज, दाना, फल के साथ साथ कीड़ा मकोड़ा भी खाता है. इसका मतलब इसका आइटम मेनू बहुत लंबा होता है. Besides seeds, grains, fruits, it also takes insects as their food. So its item menu is
वेरी लॉन्ग। वाइल ईटिंग विथ पार्टनर वेरी ऑफन वन ऑफ देम फ्लाई टॉप टू हैव अ वॉच ऑन एनी अनवांटेड एलिमेंट्स और प्रीडेटर्स, इट इज़ फॉर देयर सेफ्टी। अपना जोड़ीदार के साथ खाना खाते समय बार बार इनमें से कोई एक ऊपर चला जाता है और देखता है कि कोई अनवांटेड एलिमेंट, कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है। ये अपना सेफ्टी के लिए ऐसा करता रहता है। अरे आज का दवा तो महाभोज के समान है, खत्म ही नहीं हो रहा है। टुडेज पार्टी इज रियली अ बिग वन, सीम्स नेवर एंडिंग। हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। जो कीड़ा, इंसेक्ट्स, गुलाब और सब्जी को नष्ट करता है, ये उसे खा के पूरा इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करता है। ये फूड चेन में एक अपना हिस्सेदारी निभाता है। इट हैज़ ए ग्रेट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। देयर आर many insects which are destroying roses, vegetables. So what they do, they eat them and maintain the ecosystem. They have important role in the food chain. They are a part of food chain. आज की कैटेगरी में हमारा दूसरा मेहमान है, नहीं इस बार भी हम एक क्लू दे देंगे, एक हिंट देंगे और आपको ही बताना है। इसका एक वैरायटी, एक प्रजाति सिंगापुर का नेशनल बर्ड है और भारत में भी पाया जाता है, खास करके गार्डन एरिया में। पिछली बार की तरह अगर आपको पता है मेरा दिखाने से पहले, तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। In this category, our second guest is, no, this time also I will not tell you, you have to tell me. What best I can do, I can give you some clues, some hints. The variety of this bird or the kind of this bird is the national bird of Singapore. And this is very much available in India also, especially in garden areas. This time also, if you know before I start showing you, please mention in the below comment box. This is our second guest, female sunbird. हमारा दूसरा मेहमान female sunbird. इसका पीठ का कलर ऑलिव जैसा होता है और पेट का कलर स्लाइट येलो। The color of the upper part is olive and the lower part of the belly portion is slight yellowish. This is male sunbird. Its color is glossy metallic bluish and the upper part is deep purple black. During breeding time, its upper and lower part both becomes deep purple black. यह है पुरुष सनबर्ड। इसे बांग्ला में मोटुशी पाखी भी बोला जाता है। इसका पीठ का कलर ग्लॉजी मेटेलिक ब्लूइश
से लेके पर्पल ब्लैक तक होता है। प्रजनन के समय ये एकदम से पूरा पर्पल ब्लैक जैसा दिखता है। इसका उड़ने का स्टाइल हमिंग बर्ड जैसा होता है। ये उड़ते समय एक जगह पे खड़ा भी रह सकता है और थोड़ा पीछे की तरफ जा भी सकता है। इट बिहेव्स लाइक हमिंग बर्ड व्हाइल फ्लाइंग। इट कैन स्टे एट वन प्लेस और कैन फ्लाई बैकवर्ड आल्सो। This is specially available in urban garden areas। ये खास करके शहरी इलाका जहाँ पे बागीचा होता है देखा जाता है। How many of you have heard of pole singing? Never mind, I will show you what is pole singing। दोस्तों आप में से कितने लोग pole singing के बारे में सुने हैं? कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ pole singing क्या है। अलग अलग पक्षियों का चोंच अलग अलग आकार की होता है उनकी उपयोग के हिसाब से। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ बीक एज पर देयर यूजेस। बर्ड्स ऑलवेज ट्राई टू कीप देयर फेदर्स बॉडी क्लीन। चिड़िया हमेशा अपना पंख को साफ सुथरा रखना पसंद करता है। पक्षियाँ हमेशा ऊपर ऊंचे में रहना पसंद करता है। खाने के लिए नीचे आ भी जाए फिर भी ऊपर ऊंचे में रहना पसंद करता है। बर्ड्स ऑलवेज प्रेफर टू स्टे एट ए प्लेस which is high or top of all। Even if for food they come down, again they go at top। How do you like his performance, pole singing? इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा पोल सिंगिंग? दोस्तों एक्रोबेट्स तो देखे होंगे स्ट्रिंग बैलेंसिंग करते हुए। चलिए यहां पे देखते हैं। यू माइट हैव सीन एक्रोबेट्स डूइंग स्ट्रिंग बैलेंसिंग। लेट्स सी हियर व्हाट दे आर डूइंग। Wow, extraordinary performance. Look, it's crossing. Have you seen? अरे अरे अभी गया, देखा आपने? आइए मेरे साथ चुपके से। Come with me, don't make noise. Wow, look at him, how beautiful, sorry, handsome. Sunbirds feed on nectar of flowers. These are the flower birds of wax apple. Wow, कितना सुंदर है दिखने में। ये फूलों का नेक्टर लेता है अपने आहार में। ये जामरूल का फूल है
इन दिस कैटेगरी आवर थर्ड एंड फाइनल गेस्ट इज, इस कैटेगरी में हमारा तीसरा और अंतिम मेहमान है मेरे साथ कम होती है। लेट्स पुट सम वाटर, थोड़ा पानी दे देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये सब बाथ टब है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। व्हाट यू कैन सी नाउ आर ऑल बाथ टब, यू विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम व्हेन बाथ टब्स विल हैव इनफ वाटर, आवर थर्ड गेस्ट विल स्टार्ट कॉलिंग इट्स पार्टनर टू टेक बाथ। हाउ एक्साइटिंग, अमेजिंग। जब बाथ टब में उचित मात्रा में पानी आ जाएगा, हमारा तीसरा मेहमान अपना पार्टनर को बुलाएगा नहाने के लिए। हाउ एक्साइटिंग। ये लीजिए आ गया, अभी नहाएगा दोनों मिलके। लुक दे हैव कम, नाउ दे विल टेक बाथ टुगेदर। Seems they are very happy and enjoying. लग रहा है बहुत खुश है और मजा ले रहा है। अब तक तो आप जान चुके होंगे इसे टुनटुनी कहते हैं, बांग्ला में इसे टुनटुनी पाखी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे कॉमन टेलर बर्ड बोला जाता है। सो बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव नोन इट इज कॉल्ड कॉमन टेलर बर्ड।
पार्टनर कई बार ऊपर जाके देखता है कोई खतरनाक चीज मंडरा रहा है या नहीं। अगर ऐसा दिखा तो तुरंत अपना पार्टनर को आगाह कर देता है अपनी आवाज से और दोनों तुरंत वहां से भाग जाता है। वेरी ऑफन इट्स पार्टनर गोज टॉप एंड चेक whether any predators are moving around or any dangerous elements are around. If found, immediately inform its partner by making special chirping, special calling, and both of them fly away without wasting any time. हर समय चौकन्ना रहना इनका स्वभाव है। दे ऑलवेज रिमेन अलर्ट एंड इट्स देयर कॉमन नेचर। बाकी चिड़िया की तरह ये भी ऊंचाई में रहना पसंद करता है। लाइक ऑल अदर बर्ड्स दे ऑल्सो प्रेफर टू स्टे एट हाइट। अगर आप नया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में रखा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल ऑफ माय न्यू वीडियोस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छी लगी कुछ जानकारी मिली तो नीचे जहां लाइक बटन है उसी रो में एक थैंक्स बटन है उसे प्रेस करिए और मुझे सपोर्ट करिए। एक हार्ट शेप का बटन जिसके अंदर एक डॉलर का साइन है। अ हार्ट शेप सिंबल विथ अ डॉलर साइन विद इन इट दिस इज द थैंक्स बटन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू लाइक मोस्ट एंड फाइंड माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज प्रेस द थैंक्स बटन अपियरिंग इन द सेम रो वेयर द लाइक बटन अपियर्स। दिस वे यू कैन सपोर्ट मी।
I'll read out the name of the top supporters of this video in my next video. और इस वीडियो में जो टॉप सपोर्टर रहेगा, अगली वीडियो में मैं उसका नाम जरूर बताऊंगा।